नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। मित्रों, आज देश की राजनीति ने एक नया करवट लिया है और ये करवट और कोई नहीं, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से ये जो नई राजनीति का ये जो नया कदम बीजेपी, खास तौर पर नरेंद्र मोदी, अमित शाह एंड पार्टी की जो सियासत है, उसका जवाब देने के लिए अरविंद केजरीवाल ने आज अपने कार्यकर्ताओं के सामने इस्तीफे की घोषणा कर दी है। ये बड़ा फैसला है अरविंद केजरीवाल का, ये बड़ा निर्णय है दिल्ली की सत्ता के लिए, दिल्ली की सत्ता को बेचैन करने के लिए। अरविंद केजरीवाल ने आज वो कुछ कर दिखाया है, वो जो तेवर उन्होंने दिखाया है कि आज से दो दिन बाद, यानी कि उन्होंने दिन भी बहुत बढ़िया चुना है। अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज से दो दिन बाद, यानी कि 17 सितंबर, जो कि संयोग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है, इस बार वो 17 सितंबर को 75 साल पूरे कर लेंगे। तो अरविंद केजरीवाल ने भी सोचा कि प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन पर एक सियासी तोहफा दिया जाए, एक सियासी बड़ा तोहफा दिया जाए। उन्होंने दिल्ली की सरकार को भंग करने का भी संकेत दे दिया है और यहां तक उन्होंने कह दिया, साफ लफ्जों में उन्होंने कहा है कि कोर्ट ने उन्हें बेल दे दी है, जमानत दे दी है, कोर्ट इतना ही कर सकती थी। लेकिन आप सभी जानते हैं कि चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो या मनीष सिसोदिया हो, यानी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों को जेल से जमानत जरूर मिल गई है, लेकिन दोनों के ऊपर काफी बंदिशें हैं। वो कैबिनेट की बैठक में नहीं जा सकते, अपने सचिवालय नहीं जा सकते, कोई निर्णय नहीं ले सकते। ऐसे में मुख्यमंत्री सिर्फ नाम का बनकर के रहने के लिए, सिर्फ ये कहलाने के लिए कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो क्यों उस पद पर बने रहे? मनीष सिसोदिया पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं और अब अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे की घोषणा करके देश की राजनीति में एक हलचल मचा दी है जबरदस्त। जैसे कहते हैं ना, वो ठहरे हुए पानी में कंकड़ न मार, तो कंकड़ न मार, तो ये गाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गा सकते हैं, अमित शाह गा सकते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल की ये फितरत है, हमेशा से उनकी सियासत ही इस फितरत पर कायम है, जो ठहरे हुए पानी में कंकड़ मार करके उसमें जो कंपन पैदा करने की कोशिश करते हैं। इतना ही नहीं, अपने संबोधन में उन्होंने भगत सिंह का भी नाम ले लिया। उस दौरान आज से लगभग एक सदी पुरानी घटना का जिक्र किया, 95 साल पुरानी घटना का, कि जब एक जेल में रहते हुए दोनों उनकी, भगत सिंह को उनके साथी से मिलने नहीं दिया जाता था। आज वही स्थिति इस केंद्र सरकार ने, दिल्ली की सत्ता ने पैदा करनी थी कि वो जेल में रहते हुए भी, एक ही जेल में रहते हुए अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया आपस में मिल नहीं सकते हैं, जेल जमानत पर रहेंगे, लेकिन कोई सियासत अपने कामकाज को, मुख्यमंत्रित्व को, के दायित्व को वो पूरा नहीं कर सकेंगे। यानी कि वो एक रबर स्टाम्प बनकर के रहेंगे और दिल्ली की सत्ता चलाएंगे। एलजी, वही एलजी जो दिल्ली एक विरोधी पार्टी की तरह दिल्ली सरकार की नाकामियों को उजागर करने के लिए समाचार पत्रों में लेख लिखा करते हैं,
ये राज्यपाल का काम नहीं होता है, उपराज्यपाल का काम नहीं होता है, लेकिन उन्होंने किया है। वो पूरी तरह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारे पर काम कर रहे हैं। संवैधानिक जो व्यवस्थाएं हैं उसको तार तार कर दिया गया है। इन संवैधानिक व्यवस्थाओं को तार तार करके कहने के लिए अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बना रहने दिया जाए, मनीष सिसोदिया को मुख्यमंत्री बना रहने दिया जाए, इसके क्या मायने हैं? हालांकि आपको यह भी बताऊं कि ये राजनीति है ही नहीं। जब केंद्र की सत्ता अपनी एजेंसियों के माध्यम से ईडी से, इनकम टैक्स से, सीबीआई से आपके ऊपर आक्रमण करा करके जो राजनीति का गेम खेल रही है, उसका जवाब तो राजनीति से ही दिया जा सकता है, जैसे कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया था। वो जेल गए, लेकिन उसके पहले अपना उत्तराधिकारी उन्होंने चुना। ये दीगर बात है कि उनके लौट के आने के बाद और दोबारा मुख्यमंत्री की पद की शपथ लेने के बाद चंपई सोरेन उनसे अलग हो गए। ठीक उसी तरह से जैसे कभी नीतीश कुमार ने एक मुख्यमंत्री बनाया था मांझी साहब को, और वो भी गच्चा दे गए थे, वैसे ही चंपई सोरेन भी गच्चा दे गए। बावजूद इसके लड़ाई का, राजनीतिक लड़ाई का यही एक तरीका है। और यहां भी वो देर सही सही, लेकिन अरविंद केजरीवाल इस बात को समझ चुके हैं। अब वो जनता के बीच जाएंगे। उन्होंने कहा भी है कि अब जनता ये बताएगी कि वो गुनहगार हैं या बेगुनाह हैं। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के माध्यम से जो कुछ भी उनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, उन आरोपों के साथ और अपनी साफगोई के पेश करते हुए वो जनता के सामने जाएंगे, और जनता ये तय करे कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया गुनाहगार हैं या बेगुनाह हैं। अगर गुनाहगार हैं तो उनको सत्ता से बाहर कर दे, अगर बेगुनाह हैं तो अभी 60 सीट है, पूरी की पूरी सीट ले जाए वो। आप सभी जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल एक पढ़े लिखे आईटीएंस भी हैं। उन्होंने जो सरकारी नौकरी की है, देश के जो क्रीम होते हैं आईएएस आईपीएस, उस तरह के वो अधिकारी हैं। और आप सबको याद होगा कि 2013-14 में जो आंदोलन दिल्ली में चला था कांग्रेस सरकार के खिलाफ, यूपीए सरकार के खिलाफ, और जिस समय इस देश के नए गांधी पैदा हुए थे अन्ना हजारे, और उनकी अगुवाई में अरविंद केजरीवाल ने अपनी सियासत शुरू की, नरेंद्र मोदी के खिलाफ बनारस से चुनाव भी लड़े, और उसके बाद जाकर के दिल्ली में अपनी सत्ता काबिज की। ये तीसरी बार है जबकि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अब उन्होंने उस अपने पुराने तेवर के साथ इस राजनीति में लौटने का ऐलान कर दिया है। ये सही है कि अगर वो विधानसभा भंग करने की सिफारिश भी करते हैं तो भी शायद एलजी साहब उसे स्वीकार न करें,
क्योंकि केंद्र सरकार गुजरात लॉबी ये कभी नहीं चाहेगी, या पूरा का पूरा बीजेपी या आरएसएस कभी नहीं चाहेगी कि हाल फिलहाल कोई और विधानसभा चुनाव के परिधि में आ जाए, क्योंकि आज ही अरविंद केजरीवाल ने ये मांग भी उठाई है निर्वाचन आयोग से कि महाराष्ट्र झारखंड के साथ दिल्ली का भी चुनाव कराया जाए। आपको पता है कि दिल्ली का चुनाव अगले साल फरवरी में होना है, लेकिन उन्होंने आज मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की बात करके निर्वाचन आयोग से महाराष्ट्र झारखंड के साथ विधानसभा का दिल्ली विधानसभा का चुनाव कराने की मांग करके बीजेपी के लिए बड़ी परेशानी पैदा कर दी है, बड़ा टेंशन दिया है। और अब अगर दिल्ली की सत्ता गुजरात लॉबी अपने एलजी के माध्यम से अरविंद केजरीवाल या दिल्ली विधानसभा के फैसले से इनकार भी करती है तो तीसरा रास्ता भी उन्होंने अरविंद केजरीवाल ने शायद निकाल लिया है। इसीलिए उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि मैं कोई तीसरा, वो तीसरा कौन हो सकता है, इस बात की चर्चा अभी से उनके बयान के साथ ही देश की राजनीति में, राजनीति की फिजाओं में घूमने लगा है कि क्या अरविंद केजरीवाल नहीं, मनीष सिसोदिया नहीं, तो क्या आतिशी को ये दायित्व सौंप करके वो मैदान में उतर जाएंगे? क्या आतिशी कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में काम करने के लिए उनको छोड़ दिया जाएगा? और अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और पूरी टीम दिल्ली विधानसभा के चुनाव की तैयारी में जुट जाएगी। लेकिन आज का दिन, 15 सितंबर का दिन, रविवार का दिन, देश की राजनीति में एक नया भूचाल लेकर के आया है। आगे अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अरविंद केजरीवाल को यहां बहुत कुछ नए अंदाज में, नए तेवर के साथ करना होगा और उसके साथ उनको चुनाव मैदान में उतरना होगा। केवल अपने आप को ईमानदार साबित करने से काम अब नहीं चलने वाला है। इस देश की राजनीति, इस देश की सियासत सिर्फ काम करने से शायद नहीं आती है। दिल्ली की सरकार ने आम जनता के लिए बहुत कुछ किया, जनता उनके कार्यों से खुश भी है, लेकिन दिल्ली की सत्ता गुजरात लॉबी के आगे उनकी सियासत, अरविंद केजरीवाल की सियासत कामयाब नहीं हो सकी। वो जितने दिन रहे, उन्होंने जितने फैसले लिए, सब में अड़ंगा लगाने की कोशिश की गई, लिहाजा इतना ही नहीं, जैसे कि बहुत सारे लोग बहुजन समाज पार्टी और मायावती को कांग्रेस की बी टीम कहते हैं, सॉरी बीजेपी की बी टीम के नाम से पुकारते हैं, उसी तरह से तमाम झंझावातों के बावजूद, तमाम कोशिशों के बावजूद, अच्छे काम करने के बावजूद, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के ऊपर भी ये स्टिकर चिपका हुआ है कि कहीं ना कहीं वो भी बीजेपी के साथ ही चलते हैं, वो उसी को लाभ पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी की राजनीति में कोई बहुत अंतर नहीं है, ये दीगर है कि जब वो परेशानी में पड़े और जब
इंडिया गठबंधन बन रहा था तब उन्हें भी आमंत्रित किया गया और वो इस बात को समझ चुके थे गठबंधन में शामिल होने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं था, लिहाजा वो इंडिया गठबंधन में शामिल हुए। लेकिन हाल में ही हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर के जो आम आदमी पार्टी ने गठबंधन को तोड़ा है, अब जबकि दिल्ली विधानसभा चुनाव कराने की बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, तो उनको इस बात पर भी गौर करना पड़ेगा उनकी अपनी राजनीति की दिशा क्या होगी, वो राजनीति कैसे करेंगे, किस खेमे में रहेंगे, क्या वो भगवा खेमे में जाएंगे या संविधान के तहत इस लोकतंत्र को बचाने वाली जो एक पूरी टीम खड़ी हुई है इंडिया गठबंधन के साथ, उसके साथ मजबूती से अपनी उसी वैचारिकी के साथ आगे कदम बढ़ाएंगे। लेकिन एक झटका उन्होंने दिल्ली सरकार को, गुजरात लॉबी को, दिल्ली की सत्ता को जरूर दे दिया है। इसके क्या परिणाम होंगे आने वाले दिनों में पता चलेगा। फिलहाल 17 सितंबर को क्या कुछ होने वाला है, इस दो दिन तक, इन दो दिनों तक 15 से 17 सितंबर तक के बीच में क्या कुछ घटता है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। हम उन सब चीजों के को लेकर के आपके साथ जुड़ेंगे, जैसा कि पहले भी हर घटना के साथ मैं आपसे मुखातिब हुआ हूं, तो इस बार भी आऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप पूरा देखेंगे, लाइक करेंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और इस यूट्यूब चैनल को @AjayChaturvedi842 अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी करेंगे। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।